हेलो एसबीडब्ल्यूपी गैंग, अजय भैया ही है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एचएससी 12th स्टैंडर्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, एचएससी 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो कि आपके भैया आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, आपको इनमें पूरे के पूरे चैप्टर्स के पीडीएफ फाइल मिलने वाली है कि कौन से इंपॉर्टेंट है पूरे 5 चैप्टर्स के। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो चाहिए तो 500 लाइक्स का एम रखते हैं। जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो पे, तो हम आपको दे दूंगा मैं कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एचएससी 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर 6 से लेके तो चैप्टर 16 तक के चैप्टर्स विद हैंड रिटन नोट्स। अभी स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो स्टूडेंट्स, पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे दोनों चैनल्स पे है। एट द सेम वे छत्रपति संभाजीनगर में मेरे खुद के ऑफलाइन क्लासेस है, जहां पे मैंने पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करने के लिए मैंने मदद किया है। तो स्टूडेंट्स, आप भी उनमें से आ सकते हो अगर आप पूरा वीडियो एंड तक देखोगे। और स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना है, अगर आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छी जानी है तो एक ट्रिक बोलता हूँ, नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, भैया आपके लिए प्रे करेंगे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना, नहीं करे तो फिर बोलना नहीं पेपर गंदा गया, सब्सक्राइब करो फटाफट से। चलो, जोक सपाट। स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, आयोनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड एट द सेम वे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिस आर द 5 चैप्टर्स ऑफ विच आई एम गिविंग यू द इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट्स देखो, अभी इम्पॉर्टेंट मतलब कि ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस वैसे के वैसे आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस जो है ये 2019 से लेके तो 2023 तक के पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक सभी चीजों और एकदम अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको दिया है। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में रखना। सबसे पहले सॉलिड स्टेट, तो स्टूडेंट सॉलिड स्टेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज हमेशा छोटे पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन, इट इज टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन 2D, फिर टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन 3D, कोऑर्डिनेशन नंबर को आपको डिफाइन करना है, उसका डेफिनेशन देना है। आयोनिक सॉलिड्स ये हार्ड और ब्रिटल क्यों होते हैं, तो इनके बस आपको एक प्रकार से विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स आपको प्रोवाइड करनी है। और स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना है, विच इज पूरे के पूरे डिफेक्ट्स आपको लर्न करके रखने हैं, विच इज स्पॉट के डिफेक्ट्स वगैरह वगैरह, वो सभी डिफेक्ट्स आपको लर्न करके रखने हैं। अगर आप इतना भी करोगे और थ्योरी का कर लोगे सॉलिड स्टेट का, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे सॉलिड स्टेट में से। सॉल्यूशंस देखो, सॉल्यूशंस के 10 क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट वाले। पहला है डिफाइन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस आपको डिफाइन करने हैं। यूनिट आपको बताना है एबुलोस्कोपिक और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के यूनिट्स। हेनरीज लॉ हैंड्स डाउन बहुत बार पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन, हेनरीज लॉ आपको स्टेट करना है और बताना है कि सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर क्यू ये होती है, विच इज टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। उसी के साथ फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, वाई इज मोलैलिटी, जो मोलैलिटी है सोल्यूशन का वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर को। एक्सप्लेन वाई एक्वेटिक एनिमल्स, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्यों प्रेफर करते हैं टू स्टे एट द लोअर लेवल, मतलब कि नीचे के लेवल पे समर के टाइम पे एक्वेटिक एनिमल्स क्यों एकदम नीचे चले जाते हैं, जाहिर सी बात है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है इसी वजह से। तो आप उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, उसके पर्टिकुलर थ्योरी पार्ट लिख सकते हो। आपको डेफिनेशन देनी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो मत, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम की, वहां पे से जाके आप इसको अचीव कर सकते हो, या फिर अपना एप्लीकेशन है शाह कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन, वहां पे मैं इसकी पीडीएफ फाइल डाल लूंगा, वहां पे ही डालूंगा, टेलीग्राम पे नहीं डाल रहा हूं, वहां पे ही डालूंगा, तो ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, विच आर द फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स होते हैं सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए। आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन बताना है आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, रॉल्स लॉ का आपको डिस्टिंग्विश और एट द सेम वे उसका स्टेटमेंट देना है। देखो स्टूडेंट्स, लिखने के लिए मेरे को 1.5 से 2 घंटे लग गए 5 चैप्टर्स के पूरे इंपॉर्टेंट निकालने के लिए और लिखने के लिए। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। उतना कर दोगे तो आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। एक्सप्लेन ऑस्मोसिस डायग्राम के बेसिस पे, सिमिलैरिटीज और आपको डिफरेंसेस बताने हैं, विच इज फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट, जो है KF और KP, उसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गए स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस और सॉलिड स्टेट के इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 3,
आयोनिक इक्विलिब्रिया। डिस्टिंग्विश आपको बताना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में का आपको डिफरेंस बताना है। फिर उसके बाद मोलार सोलुबिलिटी आपको इसका डेफिनेशन देना है। ऑटोनाइजेशन ऑफ वाटर इसका भी डेफिनेशन देना है। राइट द कंडीशन ऑफ प्रिसिपिटेशन जो कि पेज नंबर 59 पे दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 59 पे दिया गया है, आप एक बार चेक कर लेना। इसको ढूंढने के लिए बहुत मशक्कत लगी थी भैया को। और पूरे के पूरे स्टूडेंट्स आपको थ्योरी करना है कंपलसरी, तो इस चैप्टर को ज्यादा वेटेज नहीं है, उस हिसाब से आपको दिया है, विच इज ऑल थ्योरी आपको करना है विथ एक्सरसाइजेस। ठीक है, अगर आप इतना कर लोगे तो आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ। ठीक है, जो हेस लॉ है वो स्टेट और एक्सप्लेन करना है विद इट्स एप्लीकेशन। फिर आपको प्रूव करना है कि डेल्टा एच मतलब कि एंथैल्पी जो होता है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एनजीआरटी, सिंपल सा है। वर्क जो है वो माइनस पी एक्सटर्नल मतलब प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी क्यू है। फिर इसके बाद डब्ल्यू मैक्स का यहाँ पे आपको मीन वर्क निकालना है। फिर फोर्थ वाला है वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, सिंपल सा है वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, मतलब वही वो रिएक्टेंट जो होता है, देखो ऐसा होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये होता है विच इज वर्क डन वाला, तो आप उसको कर सकते हो। एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज, ठीक है, जो भी एंथैल्पी होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो पी डेल्टा वी जो होता है तो हम पी वी इक्वल्स टू एनआरटी लिख सकते हैं। तो अगर पी वी वन आ गया तो ये हो जाएगा एन वन आर टी, पी वी टू हो गया तो ये हो जाएगा एन टू आर टी, तो पी इंटू वी टू माइनस वी वन, वैसे फॉर्मूलेज में डाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद एक्सप्रेशन देना है आपको आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक और एडियाबेटिक, इसके आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देने हैं डिफाइन करके। ठीक है, ये बस मैं एक बार कट कर देता हूँ, मतलब आपको पीडीएफ एकदम क्लीन मिलेगी। फिर आपको डिफाइन करना है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सबसे सिंपल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन सॉलिड जब चेंज होता है लिक्विड में, और वेपराइजेशन मतलब लिक्विड जब चेंज होता है गैस में या फिर वेपर्स में। स्टैंडर्ड एंथैल्पी सेम फॉर्मूला, बस ऊपर जीरो लगा देना, मतलब डेल्टा एच जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू जीरो प्लस पी डेल्टा वी, ऐसा फॉर्मूला होता है। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन क्यों होता है, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है, पार्ट फंक्शन जो होता है वो पूरी प्रोसेस पे डिपेंड करता है। व्हाई वर्क डन इन वैक्यूम इज जीरो, क्योंकि हवा नहीं होती है तो कैसे काम होगा वैसे। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। साइन कन्वेंशन आपको बताने हैं, मतलब सिस्टम अगर सराउंडिंग पे काम करेगा और सराउंडिंग अगर सिस्टम पे काम करेगा तो क्या होगा, वो वाली चीज है। Give two features of spontaneous irreversible reaction या फिर processes, ठीक है, clear? Moving on to the last chapter, देखो students, 500 likes का aim है, अगर 500 likes complete होते हैं तो अगला video जल्द से जल्द आ जाएगा। Define conductivity, reference electrode, cell voltage, relation आपको बताने हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी मतलब के और मोलार कंडक्टिविटी के, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो भी है। फिर उसके बाद डिटरमिनेशन या फिर डिटरमिनेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, फिर निकल कैडमियम सेल के बारे में बताना है, निकेडिक सेल के बारे में बताना है। उसके बाद गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल, और एट द सेम वे क्या क्या डिफिकल्टीज आती है सेट करने के लिए विच इज एस एच ई। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको देना है विच इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का, एप्लीकेशन ऑफ कोलारोव्स लॉ, मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा से दिखाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के, टाइप्स बताने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के, और गैल्वानिक और वोल्टेइक सेल को आपको क्या करना है विच इज एक्सप्लेनेशन करना है। तो स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका है। ठीक है, पूरे के पूरे 5 चैप्टर्स के मैंने दिए हैं, ये चैप्टर्स के जो भी इम्पोर्टेंस दिए ये प्लीज करके रखना, ध्यान से समझना, ये बस थ्योरी के हैं।
ठीक है, ये बस थ्योरी के इंपॉर्टेंस है, न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो बहुत जल्द आने वाले हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने कॉलेज के ग्रुप में, ट्यूशन के ग्रुप में शेयर करो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, और जाते जाते ये बाजू वाला वीडियो देख के जाना है और शेयर करना है। बाय।